और ये हमने लिया है हॉल्ट खोपोली के पास। करते हैं थोड़ा स्नैक्स, साबुदाना खिचड़ी हो जाए और हो जाए KFC का कुछ बोगस। चलो चल पड़े वापस। अभी हम हैं खोपोली में, अब हम जा रहे हैं वापस अलीबाग की ओर। लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में पहुंचेंगे अलीबाग। सी ऑन दी अदर साइड। वी हैव रीच द रेनबो बीच व्यू रिसोर्ट। और सब लोग काफ़ी थक गए हैं, मैं ड्राइविंग कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स एंड नाउ इट्स द टाइम टू फ्रेशन अप एंड चलते हैं थोड़ा बीच की तरफ। वो हम पहुँच गए हैं रेनबो बीच व्यू रिसॉर्ट। इट्स अराउंड 7:15 PM दैट वी हैव रीच दिस रिसॉर्ट फाइनली इन नागाव। कैसा ऑर्डर है? कैसा लग रहा है भाई? सही है, गोवा जैसा फील। गोवा जैसा फील आ रहा है। ह्यूमिड ह्यूमिड है। क्या टाइम हो गया? थोड़ा वैसे है टाइम 7:37 PM। और चलते हैं थोड़ा वॉक करने। अभी चलेंगे वॉक करने आगाओ बीच पे और फिर खाएंगे खाना वाना और आएंगे रूम पे। यार एसी शुरू ही रखना पड़ेगा लग रहा है। पहले जल्दी से सुन लीजिए कॉन्टिनेंट या लेंगे। अरे उधर बीच पे बहुत क्लियर रहता है जगह। चला अपन जाऊ आता नागाव बीच पर वॉक करायला। हाँ यार मछली बहुत टाइम से नहीं खाया, सब लोग खाएंगे मछली खा सकते। देखते हैं क्या सीन है। उसका ना मेरे को वो कांटा निकालना ही बहुत ज़्यादा ही जान पे आता है। बिना कांटे की भी आती है मछली ऐसे। हाँ हाँ। अपनी गाड़ी इधर हो गई पार्क होटल वेस्ट कोस्ट के बाजू में। ये रास्ता जाता है सीधा, देख लेंगे ये रास्ता है कि पिछला रास्ता है नागाव बीच का। यहाँ पे पूछ लेते हैं किसी को। सरल है क्या? सही है मतलब अपना रास्ता नागाव बीच इस तरफ। माचिस तो यहाँ से उठा लेते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम बीच पे करेंगे एंजॉय। तो इसलिए अभी रुकते हैं थोड़ा इसके लिए। Cheers. देखते हैं इधर ही है, इधर के मोदक जैसे दिख रहा है ये हर देखो जगह में। मोमोज बेसिकली इसका कॉपी वर्जन है। मोदक रिलेटिव तो यहाँ पे है ना। डे टू एट नागाव बीच। देखते हैं नया एक्सप्लोर करके। और इस बीच पर हम जा रहे हैं पहली बार। इट्स कॉल्ड पाम बीच विच इज़ वेरी नियर टू नागाव एंड नियर टू आर होटल। सो एक्सप्लोरिंग दिस पाम बीच फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। लोग तो काफ़ी आ रहे हैं यहाँ से तो मे भी अच्छा हो। वो तो वाटर स्पोर्ट वाला है। वी आर फाइनली हियर। कौन सा बीच है यार, अभी भी नाम वाम कुछ नहीं दिखा है। पाम बीच। सुबह सुबह 40 बीच के बीचों बीच। अपना स्विमिंग पूल का एरिया, यू कैन सी द स्विमिंग पूल बिहाइंड मी।
and this is one of the best things that I love. I look forward to at every resort that I visit. Swimming pool is a must. Raat ko DJ VJ laga ke gaane laga ke we can have a dip and just enjoy the pool. Band hai na? Acha. Bougainvillea restaurant. Mast hai yaar ye to dekh. कड़क पक्का गोवा लग रहा है. कैसा ऑर्डर है बगुन? और दोस्तों हम लोग फाइनली जा रहे हैं नागांव बीच इन द इवनिंग. इट्स अराउंड 5:30 PM. अरुणेश इज स्टेइंग एट द होटल. ही इज वर्किंग इन कंसल्टिंग एंड दैट्स हाउ इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम दैट ही इज वर्किंग ऑन अ वीकेंड एज वेल. सो अब हम जा रहे हैं बीच, नागांव बीच. काफ़ी लोग, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे. काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी है. पहले सिर्फ भजिया और इनका वड़ा पाव ये सब मिलता था टपरियों पे, बट नाउ वी कैन सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स एंड रियली एक्साइटेड टू हेड टुवर्ड्स द बीच. बैग सर करते करना देता. And here we are at the Nagaon beach. Mom and dad coming here after almost 5 to 6 years. I had been here with my test friends last time almost 3 years back, and ab hum ja rahe hai towards the beach. Let's take a walk. Kafi bheed log hi log. It's a weekend, long weekend, and this was expected. चलताना चांगलं वाटते कारपेक्षा. लेफ्टला पाच दहा जरा वर झालाय जेवण प्रिपेअर. दिस इज हाऊ द नाईट लुक्स हिअर. Amazing, amazing. The songs. So we chose to have
our dinner over here because of the amazing ambience that you can see, amazing lighting and everything. So I would highly recommend everyone come here. So we have chosen this table outside, outdoors, with the music and everything. So I highly recommend this place. जाना तो पड़ेगा ना, आए तो जाना तो पड़ेगा ही। चेकिंग आउट फ्रॉम विंड्स एंड वेव्स रिसॉर्ट डे 3 फाइनल गुड बाय। एक बार भैया जिंदगी का भी वही हाल है, क्या तो जाना पड़ेगा। ज्यादा आगे चलेगी क्या? हम कैसा लग रहा है भाई, कैसा था आपके आपका सफर? कैसा था? स्टे अच्छा था? स्टे बहुत सही था, खाना बहुत सही था। क्या अच्छा लगा? दो तीन चीजें बता दो जो तुमको बढ़िया लगी दो दिन में तीन चीजें। फर्स्ट इवनिंग में जब हम लोग बीच गए थे जो ड्रिंक्स बीच वो बहुत सही था। और खैर गर्मी तो है बट फिर भी यार यहाँ पे काफ़ी सुकून लगा, बहुत चिल्ड आउट लगा एनवायरनमेंट यार, चिल्ड आउट। कोई रश नहीं, कोई टेंशन नहीं। स्विमिंग में भी मजा आया सुबह, और पूल भी बहुत सही था यार, पूल भी अच्छा था, प्रॉपर्टी बहुत सही है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। ये था हमारा रूम, रूम की अभी हो चुकी है पैकिंग, निकलने की होगी है तैयारी। कुछ रह तो नहीं गया, फाइनल चेकआउट मार लो भाई, देख लो कुछ रह नहीं गया। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी। दिस वाज द रेस्टोरेंट, इन हाउस रेस्टोरेंट दे हैव। दिस इज द रिसेप्शन एरिया, दैट वाज द स्विमिंग पूल दैट वी एंजॉयड। Time to check out. People are still waiting here. You can see the beautiful property besides me. Looks much better at night. The arrangement that they've made here, the lightings. That was our room. ऐसी जगह पे तो बिल्कुल आना चाहिए हमको हर 6 महीने में. Every 6 months you should take a tour. Detox yourself. The variety is the spice of life. You need to go to beaches. You need to experience the new places. That teaches you a lot. Your perspective grows, your taste grows, different foods you enjoy, different spices, different places. Look at this beautiful little pond here. So kaisa raha aapka experience? Acha laga humko, ye gaon ke bahar hai aur kafi natural beauty yahan par hai. Nariyal ped hai, supari ke ped hai, greenery hai, lake hai. और जो नज़ारा है रहता है नेचुरल, कोकन जिसको बोलते हैं, जो कोकन की पहचान है यहाँ पे ग्रीनरी, सब तरफ वहाँ पे हमको जिधर उधर हमको पेड़ दिखते हैं, ग्रास दिखता है, छोटे झाड़ दिखते हैं, यानी सब तरफ ग्रीनरी है, पानी भी दिखता है, इधर कुछ पॉन्ड्स भी है, फिश पॉन्ड। तो इसलिए ये नेचुरल जो कोकन का नज़ारा है, वही सिचुएशन में ये उन्होंने रिसोर्ट बनाया, इसका नाम विंड एंड वेव्स है। तो ये बहुत सही नाम, बहुत सही नाम लिखा है। यहाँ पे काफी अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा आती है, विंड्स भी है, और नागाव भी है पास है यहाँ से। नागाव बीच तो वही नजदीक बीच है यहाँ से, कुछ तो भी 7 मिनट के अंतर पे यहाँ पे है। अच्छा, तो यू कैन इजीली गो टू द बीच राइट, और यहाँ पे रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। खाना वाज एवरेज, खाना भी एक एवरेज यहाँ पे खाना है, और कॉस्ट जो है मीडियम कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट, राइट, वन कैन इजीली बियर दिस कॉस्ट, करेक्ट। और यहाँ पे सर्विस भी हमको अच्छी लगी, सर्विस के जो मालक है वो खुद ही अच्छे है, वो अच्छा यहाँ रहते हैं और बिहेव करते हैं, उनका अप्रोच अच्छा है, हर बात को पूछते हैं। तो यहाँ पे सर्विस मैटर के बारे में मैं अच्छा उसको एक 4.5 रैंकिंग दूंगा उसको, आउट ऑफ 5। सही, वी कैन एंजॉय द सही टूर यहाँ पर कर सकते हैं।
एंड फाइनली हम पुणे वापस जा रहे थे तो हमको ये दिख बीच में पाटिल खानावड़ ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मिडवे एंड वी हैव जस्ट स्टॉप्ड हियर टू हैव एन अमेजिंग चिकन थाली फिश थाली ब्यूटिफुल प्लेस इट विल रिमाइंड यू ऑफ द गुड ओल्ड डेज Love this place, Patil. So we just had our lunch here at Patilwada near Lonavala, and it was an awesome thali, chicken thali at ₹320, fish thali at ₹640. So amazing chicken thali, ample amount of food given to you. I mean, you won't be able to digest it. So nice experience overall. Ranwara, Patilwada, kaisa experience hota? Chala, jaise ya madhe jo hota. चुलीवरचं मटण हां तसंच कन्सेप्ट होता इथे हां पण एक प्रश्न असा आहे लोकांना की जर समजा कोणाला टॉयलेटला जायचं असेल तर पाणी विहिरीतून काढा लागेल का पण मग खेळायचं पूर्ण जर द्यायचं असेल हे एक्सपिरियन्स मोठला की बघ जाताना तुम्ही पान सुपारीचा डबा कात चुना आता पुरे हे होत आहे पान सुपारीचा डबा अर्जितता ठेवायला पाहिजे नाही म्हणजे आम्ही ठेवलं म्हणजे ते ठेवायला पाहिजे तुम्ही पूर्ण झालं असतं तुमचं और यहाँ पर हो गया हमारा सफर शॉर्ट ट्रिप टू अलीबाग खत्म See you in the next vlog. Till then, stay all sorted. Bye-bye.